दोस्तों, स्टेट्स यानी राज्य कैसे डिफाइन होते हैं, कौन ये बताता है कि स्टेट्स की बाउंड्रीज क्या और कितनी होंगी? आप जब भी इंडिया का मैप देखते होंगे तो स्टेट्स के नाम, कैपिटल्स और ज्योग्राफिकल पोजीशंस के अलावा क्या आपके दिमाग में कभी एक सवाल आया है कि स्टेट्स के बीच में भी लैंड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं या नहीं? आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके बीच डिस्प्यूट्स हैं और ये डिस्प्यूट्स क्यों हैं। इमेजिन करिए कि एक स्टेट है ए, क्योंकि पार्लियामेंट के पास सोल पावर है स्टेट्स को रीडिफाइन करने की, तो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 को यूज़ किया और ए को बी और सी में बिफ्रिकेट कर दिया। इस प्रोसेस में कई फार्मर्स, बिल्डिंग्स, रीजन, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी दो राज्यों के बीच में बढ़ जाएंगे। ऐसे में डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं और इन्हें सॉल्व करने के लिए कई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ साथ इंटर स्टेट नेगोशिएशंस किए जाते हैं। कई कमीशंस और पार्लियामेंट्री कमिटीज बनती हैं जिनका प्राइमरी फोकस डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना होता है। 1947 के बाद से अब तक कई स्टेट्स बाइफ्रिकेट हुए हैं और कई टेरिटरीज को डिफाइन किया गया है। पर ये सब होता कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से एक्ट्स हैं जो स्टेट्स को डिफाइन करते हैं और स्टेट्स बनते कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया के पास 571 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्हें मर्ज कर 27 स्टेट्स बनाए गए थे। शुरुआत में स्टेट्स की ग्रुपिंग पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कंसिडरेशन के बेसिस पर की गई थी और कल्चरल और लिंग्विस्टिक यानी भाषा को आधार नहीं बनाया गया था। हालांकि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, पर जल्द ही मल्टीलिंगुअल नेचर और 27 स्टेट्स में अंदरूनी डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए परमानेंट तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। 1948 में एसके धार, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, को गवर्नमेंट ने एक कमीशन का हेड बनाया जो स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर रिकग्नाइज करने की जरूरत को देखेंगी। हालांकि कमीशन ने यह सेपरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल कंसिडरेशंस पर करना ठीक समझा और लिंग्विस्टिक लाइंस को प्राइमरी फोकस नहीं रखा। दिसंबर 1948 में JVP कमेटी बनाई गई जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामया थे। इस कमेटी को एक बार फिर से इशू पर स्टडी करना था। इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नकारा, लेकिन कहा कि पब्लिक डिमांड में इस इशू को फ्रेश तरीके से देख सकते हैं। कुछ साल बीते और 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पर पहला स्टेट आंध्रा बनाया गया जिसमें तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। ये डिसीजन भी इसलिए हुआ क्योंकि मद्रास स्टेट के तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने एक लंबा एजिटेशन किया और लंबी हंगर स्ट्राइक की। इस दौरान 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक में पोटी श्रीडामुलु की डेथ हुई और गवर्नमेंट को बिफरकेशन करना पड़ा। साथ ही साथ कंट्री के कई रीजन्स में सिमिलर डिमांड्स थी कि लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स बनाए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने इन डिमांड्स को कंसिडर करने के लिए फजल अली के अंडर एक कमीशन अपॉइंट की। 1955 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देते हुए सलाह दी कि कंट्री को 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज डिवाइड की जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत हुआ। गवर्नमेंट ने कमिटी के एंटायर रिकमेंडेशंस को नहीं माना पर स्टेट्स जरूर बनाए। ये स्टेट थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। 6 यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लकादीव, मिनिकॉय और एमएनडीवी आइलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा थे। लेकिन मामला शांत नहीं रहा। 4 साल में ही वायलेंस और प्रोटेस्ट के कारण बॉम्बे स्टेट को बिफ्रिकेट कर गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। 1963 में नागास की डिमांड को मानते हुए नागालैंड को स्टेटहुड मिला और टोटल 16 स्टेट्स हो गए। साथ ही साथ चंदन नागौर माहे, यमन और कारेकाल फ्रांस से लेकर और गोवा, दमन और दीव पोर्टुगीज से लेकर या तो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई या नेबरिंग स्टेट में मिला दिया गया। 1966 में शाय कमीशन की रिपोर्ट को बेस बनाकर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। चंडीगढ़ इस मामले में पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल रही। 1969 और 1971 में मेघालय और हिमाचल प्रदेश को बनाया गया और त्रिपुरा और मणिपुर यूनियन टेरिटरीज बनी। 1975 में सिक्किम और मिजोरम, फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मई 1987 में गोवा को स्टेटहुड मिला। ईयर 2000 में झारखंड, मध्य प्रदेश को बिफरकेट कर छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल बनाए गए और जून 2
2014 में आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर तेलंगाना बॉर्न हुआ। जनवरी 2020 में दमन दीव एंड दादर नागर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई और जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड खत्म कर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस 2019 में मिला। आज देश में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं। हालांकि चर्चाएं ये हो रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जा सकता है। दोस्तों, इस डिवीजन में भाषा यानी लैंग्वेज को बेस बनाना एक ब्रिलियंट स्टेप था, क्योंकि इससे लोकल सिटीजन्स एडमिनिस्ट्रेशन में लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट कर कॉमन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते थे। लिंग्विस्टिक और ज्योग्राफिकल फीचर्स शेयर करने वाले रीजन्स में गवर्नेंस इजी होता है। इससे स्थानीय भाषा यानी वर्नैकुलर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ, जो ब्रिटिशर्स ने लंबे समय तक इग्नोर किया था। लेकिन इन डिवीजन के साथ साथ कई प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो गई, क्योंकि ये डिवीजन्स सोलली पार्लियामेंट के हाथ में है तो स्टेट का इनमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ऐसे में स्टेट्स के मुताबिक बॉर्डर्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सभी कमीशंस और एक्ट से बने स्टेट में कुछ रीजन में लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं। इन डिस्प्यूट्स पर गवर्नमेंट समय समय पर स्टेप्स लेती आई है, पर अब भी कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन सामने नहीं आया है। दोस्तों, भारत में कुछ स्टेट्स के बीच डिकेड्स लॉन्ग बॉर्डर इश्यूज मौजूद हैं। क्लैशेस और प्रोटेस्ट लगातार होती रही हैं, पर क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कमीशंस के डिसीजंस पेंडिंग हैं। कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस हैं, जिनके वर्डिक्ट्स अवेटेड हैं। इस सिलसिले में पहला मामला है असम और नागालैंड का बॉर्डर डिस्प्यूट। जून 30, 2021 को ईस्ट मोजो में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर पर लोकेटेड एक गांव में फिर माहौल टेंस हुआ था। ऐसे ही पहले भी कई बार क्लैशेस में लाइफ लॉस भी देखने को मिला है। कभी इन स्टेट्स के रेजिडेंट्स तो कभी गवर्नमेंट्स टसल में रहती हैं। 5 decades हो चुके हैं, पर असम और नागालैंड का बॉर्डर डिस्प्यूट कंक्लूसिवली एंड पर नहीं पहुंचा है। दोनों स्टेट्स 434 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, पर 1963 में दोनों स्टेट के इंसेप्शन के बाद से ही नागालैंड एग्रेसिवली असम में इंक्रोच कर रहा है और अपर असम में शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में वास्ट लैंड पर इंक्रोच किया है। इस डिस्प्यूट में पहला क्लैश काकोडोंगा रिजर्व फॉरेस्ट में 1965 में हुआ था, जब गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसके बाद से कई दफा क्लैशेस रिपोर्ट हुए हैं। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुंदरम कमीशन बनाकर 1971 में और 1985 में शास्त्री कमीशन के साथ इस टर्मोइल को रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। दोनों कमीशन्स की रूलिंग असम के फेवर में आई और नागालैंड ने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से डिनाई कर दिया। करेंटली असम का सुप्रीम कोर्ट में लॉसूट पेंडिंग है, जिसका वर्डिक्ट अभी भी अवेटेड है। दोस्तों, एक ऐसा ही केस 2004 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर डिस्प्यूट है। इशू ये है कि महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर पर कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बेलागावी यानी बेलागम, उत्तराकन्नडा, बिदार और गुलबार्गा में मौजूद 7000 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड पर क्लेम करता है। इस एरिया में बेलागावी, कारवर और निपानी शहर भी आते हैं। महाराष्ट्र का आर्गुमेंट है क्योंकि इन रीजन में प्रीडोमिनेंटली मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इसलिए इसे महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। इस डिस्प्यूट की जेनेसिस 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट्स में है, जो लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पर डिवीजन करता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, प्रेजेंट डे गुजरात और महाराष्ट्र एक मल्टीलिंगुअल प्रोविंस थे, जिसमें प्रेजेंट डे कर्नाटका के विजयपुरा, बेलागावी, धारवर और उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट थे। 1948 में बेलागम म्युनिसिपैलिटी ने डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट में कहा था कि उसे प्रपोज महाराष्ट्र स्टेट में जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1956 में बेलागम और 10 तालुकास मैसूर स्टेट को दिए गए। मैसूर स्टेट ही 1973 में रीनेमिंग के बाद कर्नाटका बना है। दोस्तों, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कमीशन ने 50% से ज्यादा कन्नडा स्पीकिंग रीजन्स को मैसूर यानी कर्नाटका में जोड़ा था, पर ओपोनेंट्स का कहना रहा है कि इन रीजन्स में मराठी स्पीकर्स कन्नडा स्पीकर से ज्यादा हैं। बॉम्बे गवर्नमेंट ने सितंबर 1957 में अपनी डिमांड सेंटर के सामने रखी और करीब एक दशक बाद 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर चीफ जस्टिस मेहर चांद महाजन के अंडर महाजन कमीशन बनाई। 1967 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिए कि 264 विलेजेस महाराष्ट्र प्रायर बॉम्बे को दी जाए और बेलागम और 247 गांव कर्नाटका में ही रहें। ये रिपोर्ट महाराष्ट्र ने रिजेक्ट कर दी और एक अलग रिव्यू की मांग की। हालांकि कर्नाटका ने रिपोर्ट मानी, पर इम्प्लीमेंटेशन अब तक नहीं हुआ। इस इशू पर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी टाइम टू टाइम पॉलिटिकल एजेंडा बनाया है। कांग्रेस,
एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी ने अपने हर एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस डिस्प्यूट को रखा है। आज तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाया। दोस्तों, ऐसा ही एक डिस्प्यूट गुजरात और राजस्थान के बीच में भी है। ये डिस्प्यूट मंगध हिल को लेकर है। इस पर गुजरात आधा क्लेम करता है, पर राजस्थान का कहना है कि ये हिल उनकी है। ये डिस्प्यूट 4 decades पुराना है। गुजरात के कई लैंड ओनर्स ने कंप्लेंट फाइल की है, जो कहते हैं कि राजस्थान की ज़मीनें एडजेसेंट हैं और वो इलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं। फिलहाल डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसा ही लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पर एक डिस्प्यूट कसारगोड डिस्ट्रिक्ट को लेकर है, जहाँ कन्नडा स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है पर ये केरला का हिस्सा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज M.K. महाजन ने 1967 में रिकमेंड किया था कि इसे कर्नाटका को दिया जाए, पर आज भी ये डिस्ट्रिक्ट केरला का हिस्सा है। दोस्तों, इन एग्जाम्पल्स के अलावा असम और मेघालय का भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई हैं और हजारों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है। दोस्तों, ये 1971 में तब स्टार्ट हुआ जब मेघालय ने असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज किया। इस एक्ट ने मिकित हिल्स का Part 1 और 2 असम को दिया था, पर मेघालय का कहना है कि ये हिल्स यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स का हिस्सा है, क्योंकि लंबे डिस्प्यूट हैं, इन्हें सॉल्व करना ज़रूरी है। करेंटली सेंटर दोनों स्टेट के इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात कर रही है। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश का भी एक 3 decades पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 का यूज़ करके असम से अरुणाचल प्रदेश को 1987 में अलग किया गया और स्टेटहुड दिया गया, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने अलॉटेड एरिया को एक्सेप्ट किया। हालांकि असमीज इंक्रोचमेंट की अलेज रिपोर्ट सामने आती हैं। सितंबर 2006 में असम गवर्नमेंट ने मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अपेक्स कोर्ट ने एक लोकल कमीशन अपॉइंट की है, जो नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करेंगी, और मामला अब भी पेंडिंग है। दोस्तों, इतने लंबे समय तक डिस्प्यूटेड रीजन में कई सेटलमेंट किए जा सकते हैं, पर इसकी कंडीशन ये है कि पॉलिटिकल विल और गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। दोस्तों, सबसे सरल और सीधा रास्ता है कि डिस्प्यूट जिन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच हैं, डायलॉग से सॉल्व किया जाए। इंडिया के स्टेट्स एक ही देश का हिस्सा हैं और सेपरेट प्रॉस्पेरिटी से प्रायर इंडियन प्रॉस्पेरिटी का फोकस होना ज़रूरी है। दोस्तों, यदि इंटर स्टेट डायलॉग से सेटलमेंट नहीं होता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कई तरह से मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है, जिससे बॉर्डर या लैंड डिस्प्यूट्स पर सस्टेनेबल डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा Article 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को स्टेट को बनाने, जोड़ने, बिफ्रिकेट करने और बॉर्डर डिसाइड करने का सोल रिस्पॉन्सिबल बॉडी डिक्लेयर किया है। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए स्टेट्स ही ऑफिशियली डिमार्केटेड है। हालांकि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी स्टेप इन कर सकती है और डिस्प्यूट को केस टू केस बेसिस पर रिजॉल्व करने के तरीके निकाल सकती है। कई मामलों में यदि डिस्प्यूट बॉर्डर पर मौजूद किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, तो कंसर्न मिनिस्ट्री भी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए आगे आ सकती है। इसका एक एग्जांपल है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स के बीच बे ऑफ बंगाल में मौजूद कनिका सैंड्स आइलैंड का। इस आइलैंड पर दोनों गवर्नमेंट्स क्लेम करती थी और 2010 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने टेंडर नोटिस में मेंशन किया था कि उनकी पोर्ट लिमिट्स अब कनिका सैंड्स आइलैंड पर भी है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस मूव को अपोज किया और नोटिफिकेशन के जरिए कहा कि ये आइलैंड्स उड़ीसा कोस्ट के पास हैं, इसलिए इस पर टेंडर ग्रांट्स करने के लिए उन्हें अलाउ करना चाहिए। हालांकि 2013 में शिपिंग मिनिस्ट्री ने इंटरवीन किया और उड़ीसा के फेवर में रूल करते हुए आइलैंड को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के परव्यू में दिया। दोस्तों, इनमें से कौन से स्टेट लैंड डिस्प्यूट हैं जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी थी, और इनके अलावा भी अगर आप किसी स्टेट डिस्प्यूट को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आने वाले वीडियोस में उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।